सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। काजल, देवेंद्र, शिवानी, एक बार फिर आप हमारे साथ हैं और उन क्वेश्चंस के साथ में हम लोग रहेंगे जो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जो मैं कल सीरीज कंटिन्यू कर रहा था उसी सीरीज को आज भी कंटिन्यू करूँगा, तो आप हमारे साथ में बने रहिए। ठीक है, आ गए बहुत सारे लोग, आ जाइए फटाफट लाइन पर आ जाइए जल्दी जल्दी। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए ठीक है, प्रीति जी, प्रवेश जी, शिवानी, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। शायद आप लोगों को इन क्वेश्चन से बहुत बेनिफिट मिल रहा होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन क्वेश्चन से फ़ायदा ज़रूर मिल रहा होगा। तो प्लीज़ आप लोग जो हैं वो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्वेश्चंस करने के टाइम पर आया करिए, उससे ये होगा। कि आपकी प्रैक्टिस बहुत होती रहेगी, प्रैक्टिस होती रहेगी और साथ ही साथ जो है वो आप आसानी से जो है वो उन क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे जो बाई चांस जो है डिस्टरबेंस पैदा कर देते हैं। चलिए ठीक है, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, 14 लोग लाइन पर आ गए हैं, तो अब हम लोग अपनी क्लास शुरू कर देते हैं। शिवानी ने लिखा है कि वाई, शिवानी ने क्वेश्चन लिखा हुआ कि वाई स्कैंडियम रिएक्ट विद SCN रिएक्ट विद Fe ट्राई पॉजिटिव बट नॉट एफी डाई पॉजिटिव। आप जान रहे हैं कि जो थायोसाइनाइड होता है एफी डाई पॉजिटिव में अगर अनपेड इलेक्ट्रॉनों का नंबर देखो तो वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, इसीलिए वो रिएक्शन करने की कैपेसिटी नहीं रख पा रहा है। जबकि एफी ट्राई पॉजिटिव में देखोगे तो हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी को गेन कर चुका रहता है और उसके पास उतनी ऑर्बिटल्स हैं जो उसके लिगेंड्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। चलिए ठीक है, मैं अपनी आपको जो है वो PDF शेयर करता हूँ। पहुँचते हैं हम लोग, मेरी वॉइस तो शायद क्लियर होगी जहाँ तक अनुमान है। एक बार बताइए वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं है, वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार मैसेज डालिए। मैं अपनी PDF आपको शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 पर हम लोग थे, क्वेश्चन नंबर 21 पर थे और ये क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, कैटलिस्ट यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। तो कल बता ही दिया था कि इसमें निकिल कैटलिस्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है, यहाँ तक हम लोग पार कर गए थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं 22वें क्वेश्चन की। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फार्मूलेटेड एज, यानी कि Fe H2O का होल 5 NO पॉजिटिव SO4 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। अगर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे यार तो बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। ये बड़ा अजीब, यहाँ पर आप एक्स मान लीजिए, एक्स प्लस ये जीरो हो गया और प्लस यहाँ पर आपका 1 हो गया और -2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ओवरऑल कहने का तात्पर्य ये है कि इसके ऊपर अगर मैं ध्यान दूँ तो सिंपल सी -2 उधर चला जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये होगा कि ये एक्स और एक्स ये हो गया आपका एक्स -1, तो ये +1 आ जाएगी, यानी एक्स की वैल्यू +1 आ जाएगी। जो आंसर जवाब दिया है, एडमिट कार्ड आ गया है झारखंड PGT का। चलिए बधाई हो आपको, अब कोई कमी तो रही नहीं गई है आपको। मैंने मैक्सिमम प्रैक्टिस कराई है, मैक्सिमम कोशिश कराई है, हर तरीके के क्वेश्चंस कराए हैं प्रीति, तो इस बार जीत आपकी होगी, बेफिक्र रहिए, एडमिट कार्ड आ गया है। अच्छा इतना बताओ ईमानदारी से प्रीति, जितना भविष्यवाणी मैंने अभी तक की थी, मैं भविष्य वक्ता तो नहीं, ज्योतिष विज्ञान तो नहीं जानता हूँ, लेकिन अनुभव जरूर कहता था कि मेरा कि एग्ज़ाम सितंबर के फर्स्ट वीक में होगा। मेरे ही मुंह से निकलता था कि या तो लास्ट वीक ऑफ अगस्त या तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। देखिए और अंदाज लगाइए कि अनुसर्गणित जल्दी फेल होता नहीं है, जल्दी फेल होता नहीं है। लोग अभी बोलेंगे मैंने ये बात आपको 5 महीने पहले बताई थी, अभी नहीं बताई, 5 महीने पहले बताई थी जी। 22वें का जवाब आपको मिल चुका होगा, +1 होगी। 23वां क्वेश्चन बताइएगा, 23rd क्वेश्चन बताइएगा।
अ मोलल सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स वन मोल ऑफ सॉल्यूट, वन मोल ऑफ सॉल्यूट। 23वें का जवाब दीजिएगा, 23वें का जवाब क्या होगा? एक 1000 ग्राम सॉल्वेंट में होता है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में होता है जैसा कि अनुशर्मा को ज्ञान है, यानी कि इसका ऑप्शन जो है वो आपके सामने लग जाएगा, इसका ऑप्शन आपके सामने लग जाएगा पहला वाला। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड शिवानी। चलो इसके बाद 24th पर आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिएक्ट एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट बोथ हैज ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस, जिसमें से एच निकल भी सकता है, जिसमें से एच निकल भी सकता है और जो एच ले भी सकता है, तो फिर हमारे पास एक ही बचे हैं जो एच ले भी लें और एच दे भी दें, जहाँ हमारा कलम रुका हुआ है, यानी ये वाला। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट बोथ ब्रॉन्स्टेड एसिड ब्रॉन्स्टेड बेस की जगह कार्बोनेट ले भी सकता है, दे भी सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन डज नॉट एग्जिबिट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड, तो एक यही मुझे दिखाई दे रहा है, फ्लोरीन बहन जी ऐसी हैं जो ये कंडीशन नहीं शो करेंगी, बाकी लोग पॉजिटिव शो कर लेते हैं, बाकी लोग पॉजिटिव शो कर लेते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इम्पोर्टेंट की सीरीज चल रही है बॉक्साइट, और हालांकि ये झारखंड और बिहार में नहीं आएगा, ये नॉट इन बिहार एंड झारखंड, ये नहीं होगा, ये बिहार और झारखंड वाले ना पढ़ें इसे, बिहार और ऑब्लिक JSSC वाले ये क्वेश्चन ना पढ़ें, जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। केमिकल सेपरेशन मेथड से बॉक्साइट को सेपरेट किया जाता है, बॉक्साइट को केमिकल सेपरेशन मेथड से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ टू एलिमेंट्स द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ टू एलिमेंट एक्स एंड वाई एट रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम इज इतना, इट्स हाफ लाइफ इतना डेज, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एक्स एलिमेंट। ये क्वेश्चन भी यूपी वालों के लिए मदद करेगा, यूपी हालांकि बताए चल रहा हूँ, ये झारखंड और ये भी नहीं है क्योंकि पेपर पूरा सेट है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाइए, 27वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताइएगा जी। 27वें क्वेश्चन का जवाब कैसे निकालेंगे, कौन बता सकता है, कौन बता सकता है? कोई बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई बहुत खास टिपिकल क्वेश्चन नहीं है ये आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर लगा दो एक सिंपल सा फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला, एन एक्स और वाई है, एन एक्स अपॉन एन वाई इज इक्वल टू टी हाफ रेसिप्रोकल होता है ऑफ एक्स इनडायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स डिपेंड, हाँ ठीक है, और अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू वाई हो गया। वैल्यू पुट कर दीजिए 4.9 क्या करना पड़ेगा आपको, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो टी एक्स निकालना, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 4.9 इंटू 10⁻⁴ और डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 2 × 10⁻⁶, निकाल लीजिए कितना आ रहा है, डिवाइड करके बताइए फटाक से। ये ऊपर चला जाएगा तो यानी कि ऊपर रह जाएगा 200, ये हो जाएगा 290, 290 को 2 से डिवाइड कर दो, 245 दिन आना चाहिए, 245 दिन बी आएगा, देखिए चेक करिए बी आएगा 245 दिन, चेक कर लीजिए एक बार। द रेशियो ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स एंड वाई, ये रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, 1.1:2, तो ये रेशियो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, हाफ लाइफ पीरियड दे रखा है तो ये 1/1 हो जाएगी, वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, चलो बाकी लोगों ने जरूरत भी नहीं है दूसरों को लगाने की। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए, ये तो सभी में है। 28वां क्वेश्चन, जरा स्पीड थोड़ी सी मेंटेन कर लीजिए, स्पीड थोड़ी मेंटेन करो यार। एन एंडोथर्मिक रिएक्शन हैज ए पॉजिटिव इंटरनल एनर्जी चेंजेस डेल्टा यू इन सच अ केस व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू दैट एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी। तो 28वां क्वेश्चन तो सरल है, बता सकते हो, बताओ 28वें का क्या आना चाहिए, 28वें क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए भाई? एंडोथर्मिक रिएक्शन पॉजिटिव इंटरनल एनर्जी, तो यही आएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा, भाई डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है, ये तब है, इसको डेल्टा यू निकालना पड़े तो एन जी आर टी इधर भेज दीजिए तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। तो तीसरा आंसर आना चाहिए 28 का। 29 वाले पे आइए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल, अगर हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को देखते हैं तो ये है हमारे गंगाजल,
ये गंगा जल जो है कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं वो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। एक तो बॉन्ड ये बनेगा, एक बॉन्ड ये बनेगा, एक बॉन्ड ये बनेगा, एक बॉन्ड ये बनेगा, यानी कि एक वाटर का मॉलिक्यूल चार हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, चार हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ये ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। बेंजाइल अल्कोहल इज ऑब्टेंड फ्रॉम बेंजल्डिहाइड, बेंजाइल अल्कोहल बेंजल्डिहाइड से कन्नी झाड़ो रिएक्शन से मिल सकता है, कन्नी झाड़ो रिएक्शन से मिल सकता है या फिटिक से मिल सकता है, बताइए। कन्नी झाड़ो से ही मिलेगा, 30वें का जवाब देखिए। ठीक है, चलो ठीक, लुबना शाबाश। बाकी जितने झारखंडियन हैं इसमें, वो झारखंडियन अपना झंडा फहराते रहें, नहीं तो फिर मुझे लगेगा कि मामला गड़बड़ है भाई। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31 पर। द जनरल फार्मूला ऑफ ये एनहाइड्राइड का फार्मूला है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है इसमें। ये एनहाइड्राइड का फार्मूला है, ऑन बॉयलिंग विद कंसनट्रेटेड हाइड्रोब्रोमिक एसिड फिनाइल इथाइल ईथर विल बी यील्ड। हाइड्रोब्रोमिक एसिड एच बी आर ओ फोर को जब ट्रीटमेंट फिनाइल इथाइल ईथर से करते हैं तो आपका फिनॉल मिलना चाहिए। 32वें का जवाब जो है फिनॉल होना चाहिए और साथ में इथाइल ब्रोमाइड होना चाहिए। देखो ये हमने ले लिया आपका फिनाइल इथाइल ईथर, तो ये आपका फिनाइल हो गया, ये इथाइल, और ये ऑक्सीजन बेंजीन का बॉन्ड तो कोई तोड़ ही नहीं सकता क्योंकि वो डबल बॉन्ड करेक्टर रख रहा है, तो यहीं से टूटेगा। जब यहाँ से टूटेगा तो मतलब ये हो जाएगा सिंपल सा कि भाई टूटिंग ऑफ बॉन्ड, समझते हो ना, अंग्रेजी ये भी होती, टूटिंग ऑफ बॉन्ड फ्रॉम दिस साइड देन इट गिव द प्रोडक्ट। ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, फिनॉल बनाएगा और साथ में C2H5Br निकल जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त। चलिए 32वां हो गया, यानी पहला ऑप्शन सही था। 33वें पे आइए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर। तो सबसे छोटा आयन ही धुआंधार करता है, और सबसे छोटा आयन ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, लेकिन ये तो सबसे बड़ा हो गया पोटेशियम, क्या कहते हैं सीजियम। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, सबसे बड़ा यही हो गया ना, तो राइट आंसर वन ही होना चाहिए, 33 का भी वन ही होना चाहिए। देव जनी आंटी, पंकज भैया, बताओ जरा मेरे प्यारे दोस्तों, नीलम राणा, बताओ बच्चा, ये हो गया क्वेश्चन का आंसर पहला, ध्यान दीजिए। हाँ दीक्षा बहन जी भी डटी हैं एकदम से मस्त, चलो शाबाश बेटा मेरे लाल, जी रहो। ऐसे ही 34 पे आओ, ग्लूकोज इन द ब्लड कैन बी क्वांटिटेटिवली डिटरमाइंड विद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर PGT एग्जामिनेशन। जी बताइए सबसे बढ़िया, 34वां क्वेश्चन बताओ, ग्लूकोज इन ब्लड कैन बी क्वांटिटेटिवली डिटरमाइंड विद, कैसे डिटरमाइन, क्वांटिटेटिवली पता करना है, क्वांटिटेटिवली पता करना है, तो उसके लिए आपको ब्रोमीन का वाटर लेना पड़ेगा, बेनेडिक्ट लेना पड़ेगा, या अल्कलाइन आयोडीन लेनी पड़ेगी। थर्टी फोर का बेनेडिक्ट सॉल्यूशन आएगा, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन आएगा कि कितना कॉपर को अमाउंट, ये टॉलन आएगा। अच्छा इसमें थोड़ा डाउट है, मुझे भी डाउट है, देखना पड़ेगा थोड़ा सा। 34 का जवाब, वैसे तो ग्लूकोज इन द ब्लड, अगर ग्लूकोज ब्लड में जा रहा है तो उसका उसको पता करने के लिए बेनेडिक्ट नहीं यूज़ करते हैं, जहाँ तक मुझे याद है, उसके लिए हम लोगों को यूज़ करना चाहिए टॉलेंस रिएजेंट, शिफ्स रिएजेंट से भी होता है वैसे बेनेडिक्ट तो हो। अब ये थोड़ा सा मुझे भी यहाँ डाउट लग जा रहा है, वैसे बेनेडिक्ट होता है नहीं, चलिए इस क्वेश्चन को मैं अभी रोकता हूँ, मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया यहाँ पर, अगर आपको किसी को कन्फर्म है तो बताइएगा। वैसे बेनेडिक्ट और टॉलन में से एक है, दोनों में से एक है, टॉलन मुझे लगता है कि बेटर रहेगा, टॉलन यहाँ पर बेटर रहेगा, वही जो है रिएजेंट होना चाहिए फिलहाल, चेक कर लो, ग्रुप तो पता ही लग जाएगा, टॉलन होना चाहिए। चलो ठीक है देख लेते हैं, इसे देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, बाकी इस पे फिलहाल थोड़ा सा मुझे एकदम से अचानक माइंड डाउट कर गया।
चलिए 35वां क्वेश्चन सरल था, कठिन नहीं था, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो इसके आगे JSSC, JSSC, ठीक है। और थॉमस स्लैग ये बाद में बताएंगे, लेकिन पहले ऊपर वाला बताइए 35। टॉलन ही है, ठीक है, उम्मीद तो मुझे टॉलन से ही लग रही थी, लेकिन चूंकि मन थोड़ा भ्रमित कर गया, और कोई बात नहीं, 35वें का जवाब आप देंगे, 35 का जवाब देंगे, कौन इसमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर जो अमोनिया होता है वो कोबाल्ट के साथ में पेयरिंग करा लेता है, जब अमोनिया कोबाल्ट के साथ में पेयरिंग कराएगा तो फिर अंदर की ऑर्बिटल यूज हो जाएंगी। तो 35वें का जो जवाब होना चाहिए वो सी होना चाहिए, 35 का सी होना चाहिए, कोबाल्ट के साथ अमोनिया ही अंडर जो है वो पेयरिंग करा देगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव कर लेता है ये, ठीक है। थॉमस स्लैग कौन बताएगा, चलिए शिवानी थैंक यू, आपने देख करके बता दिया, थॉमस स्लैग जो है वो क्या होगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप देख लो दोबारा, कंफर्म कर लिया है मेरे प्यारे साथियों ने, इसका नाम टॉलेंस रिएजेंट है, यही कंफर्म है। चलिए साथ धन्यवाद आप लोगों का। उसके बाद आइए थॉमस स्लैग किसे कहते हैं, थॉमस स्लैग एक्चुअली में अगर आप जानते हैं तो कैल्शियम फॉस्फेट को थॉमस स्लैग के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर भी कहलाता है, कहीं धोखे से आ जाए फर्टिलाइजर तो याद रखिएगा। द फ्री एनर्जी चेंज फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, तो जो फ्री एनर्जी चेंज होगी वो नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, क्या होगी, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो 37वें का जो जवाब मेरी समझ में आ रहा है, फ्री एनर्जी चेंज फॉर रिवर्सिबल के लिए जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि रिवर्सिबल जितनी रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी उतनी ही रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी, तो बच्चा यहाँ पर आना चाहिए 4th वाला ऑप्शन, बिल्कुल सही जी। सभी साथी आज बिल्कुल एक्टिव हैं, ऐसे ही एक्टिव रहा करिए। आर्हेनियस इक्वेशन इसमें से कौन सी है, 38 वाले में आपको बताना है कि आर्हेनियस की इक्वेशन इसमें कौन है। तो मैं आपको जानकारी ये देना चाहूँगा कि पहले तो आपसे आंसर सुनना चाहूँगा कि इसमें कौन सी होगी आर्हेनियस की इक्वेशन। 38 का जवाब आप दीजिएगा, 38 का जवाब आर्हेनियस की इक्वेशन इसमें से कौन सी है, 38 आर्हेनियस की इक्वेशन सेकंड वाली है, यानी कि नेचुरल लॉग अगर इसको आप देखते हैं तो नेचुरल लॉग के टर्म में देख लीजिए यहाँ पर, तो यही इक्वेशन आपकी आएगी आर्हेनियस की इक्वेशन, सेकंड वाला ऑप्शन इसमें बेस्ट है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं कुछ मदद नहीं कर सकता हूँ आपकी, ये याद ही करना पड़ेगा। पूनम भगत ठीक है ना, चलिए देख लीजिएगा, याद ही करना पड़ेगा यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय H2O2। नेचुरल लॉग के टर्म में है, अगर ये लॉग के टर्म में होता तो RT रह जाता ये जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाई H2O2, कौन इसमें H2O2 कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, H2O2 से कौन रिड्यूस नहीं होगा, H2O2 से कौन रिड्यूस नहीं होगा। 39 का जवाब बिल्कुल सही दिया है दीक्षा मैडम ने, यानी कि आयरन थर्ड नहीं हो सकता है, आयरन थर्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या होता है, इसका अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो भी वैल्यू में ऊपर चला जाता है, और दूसरी चीज़ ये है कि दूसरे वाले जो होते हैं वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये स्ट्रांग हो गया, ये वीक, बाकी सब वीक हैं।
का ये 40 एल्कोहल्स रिएक्ट विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट, एल्कोहल्स रिएक्ट विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये तो कोई भी बता देगा। एल्कोहल जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं तो पैक बना देते हैं, यानी कि पैक का मतलब हुआ अच्छा एल्केन्स बनाएंगे, सिंपल सिंपल एलिमेंट ऐसे करके ये वाले एलिमेंट बन जाते हैं, एल्केन आरएच बन जाता है, ठीक है ना भाई। अगर रिएक्शन देखना चाहो तो सिंपल रिएक्शन है, इसमें कुछ है नहीं, आर एक्स ले लीजिए और इसमें थोड़ा सा एल्कोहल डालिए, आर ओ एच डालिए, तो ये वाला एच इस वाले आर से जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा आर एच, मतलब एल्केन बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो इसमें तो सभी जानते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है। ऑप्टिकली एक्टिव इथाइलिन ग्लाइकॉल नहीं है, ग्लिसरॉल भी नहीं है, ऑक्जिलिक एसिड भी नहीं है, मेरे पास तो फिर एक ही ऑप्शन बचा है टार्टरिक एसिड। उसके बाद इन द रिएक्शन ये दे रखा है द कंपाउंड इज, कौन सा कंपाउंड है इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन सा कंपाउंड है इन द रिएक्शन C8H6O4, इन द रिएक्शन C8H6O4 कंपाउंड पहचान पाए ये कौन सा है, कंपाउंड पहचान पाए ये कौन सा है। अगर आप नोट करो तो ये कंपाउंड ये है, ये वाला आपका ये कंपाउंड है COOH, ये हुआ COOH, ठीक है, ये कंपाउंड है। अगर इसको आपने हीट किया तो जैसे ही हीट करोगे, पेन पे पेंडिंग हो गया, चलिए इसे हटा दीजिए। अगर मान लीजिए इस कंपाउंड को आप हीट करते हो तो यहाँ COOH है, यहाँ पर COOH है, तो थैलिक एनहाइड्राइड बनेगा, और थैलिक एनहाइड्राइड को ये गर्म करिए, थैलिक एनहाइड्राइड बना लीजिए, थैलिक एनहाइड्राइड बनाइए, CO CO और यहाँ पर O, ये थैलिक एनहाइड्राइड, इसको अमोनिया से ट्रीटमेंट कर दो तो अमोनियम थैलेट बन जाएगा, और अमोनियम थैलेट के बाद क्या बनेगा वो आप बता सकते हैं मुझे, थैलीमाइड वाली कंडीशन आ रही है ना। देखिए क्या आंसर क्या लगाएं, थैलिक एनहाइड्राइड पे रुक जाएं, एक्स द कंपाउंड एक्स क्या होना चाहिए, तो यही हो गया ना एक्स, तो इसका मतलब यही ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, इसके आगे कराने की ज़रूरत भी नहीं है भाई। आगे अमोनिया से ट्रीटमेंट दिया लेकिन आगे ज़रूरत ही नहीं है, जब पूछा ही एक्स है तो आगे क्यों जाएं हम, आगे क्यों जाएं। चलिए ये कंपाउंड भी बहुत परेशान करता है, 43 वाला भी ये इम्पोर्टेंट में है, ये इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आता है। द व्हेन थायोसल्फेट आयन इज ऑक्सीडाइज बाय आयोडीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन इज प्रोड्यूस्ड, तो टेट्राथायोनेट बनता है। 43 में आइए, टेट्राथायोनेट आपको दिखाई देगा, ये वाला ऑप्शन इसमें सही दिखेगा। कौन सा वाला बता दूं दीक्षा, कौन सा पूछ रही हो लास्ट में, इसमें अगर अमोनिया से रिएक्शन करा दोगे तो ये बन जाएगा, पहले दोनों तरफ अमोनिया जोड़ देना, COOH4 फिर COOH4, इसे हीट कर देना तो एक तरफ NH2 रह जाएगा, एक तरफ COOH बन जाएगा। 44 बताइए, 44 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, चवालीस 44 बताइए, यानी कि 2 KBr में से I2 नहीं हट सकता, पॉसिबल नहीं। चलिए ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पे आइए, सी वीड इज एम्प्लॉयड एज द सोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ आयोडीन होता है, 45 का आयोडीन होगा, आयोडीन ही सी वीड से आयोडीन ही मिलती है। उसके बाद एक कलर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इज डिसअपीयर्ड बाय शेकिंग इट विद द सॉल्यूशन ऑफ, ये थर्ड होना चाहिए क्योंकि अभी हमने रिएक्शन ऊपर ही पढ़ाई है, थायोसोडियम थायोसल्फेट है, सोडियम थायोसल्फेट 46 वाले को देखो जरा ध्यान से, और 47 वाले का आपको आंसर निकालना पड़ेगा, निकालिए फटाफट 47 वाले का आंसर आप निकालिए जल्दी से, जब तक मैं भी यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ 47 वाला।
क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछा है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ये मेथड लगा दीजिए, क्या होता है 1.4 लेते हैं इनटू नॉर्मेलिटी एसिड की लगा देते हैं, इनटू वॉल्यूम लगा देते हैं एमएल में, और नीचे रख लेते हैं वेट यानी W2। ये फार्मूला होता है, 1.4 इंटू वन हो गया इंटू इसका वॉल्यूम कितना दिया है, 58 ml दिया हुआ है वॉल्यूम, तो यहाँ 58 ml रख लीजिए। वेट कितना दिया है, वेट दिया है आपका N/5 है ना, नॉर्मेलिटी तो नीचे पहले 5 लाओ, और वेट कितना है, वेट वेट 1 ग्राम है। ये सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है, 46 47 वाले का, इसको सॉल्व करिए जल्दी से, कितना आ रहा है 47 का, ये बताओ संजीव भाई, संजीव जी कितना आ रहा है 47 का, 16.2, 16.2, चलो ठीक, यानी कि इसको यहाँ निकालते हैं तो ये 16.2 आएगा। सॉल्व किया है आप लोगों ने जी, इनका आईपीएसी नाम बताइए फटाक से, 48 वाले का आईपीएसी नाम बताइए, 1 2 3, 3 3 डाईथाइल, 3 3 डाईथाइल होगा, 5 पर मिथाइल होगा, हेक्सेन नॉनेन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ना गलत दिया, ऑप्शन नहीं मिल रहा है इसमें, 48 वाले में ऑप्शन गड़बड़ लग रहा है कुछ, ऑक्टेन दिया है कहीं पर, दिया है फोर्थ वाला होगा, ठीक, 3 3 डाई मिथाइल 4 मिथाइल ऑक्टेन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है यही होगा। चलिए इसके बाद आ जाइए, इसके बाद आइए साहब 49 पे आइए, 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज, 1 2 3 4, ब्यूटेनोइक एसिड तो ये है ही, और 3 पर ऑक्सो होगा, तो 3 कीटो ब्यूटेनोइक एसिड ए होगा, 49 का ए चेक कर लीजिए, 49 का ए, ठीक है, चलिए शाबाश, वेरी गुड, ऐसे लगे रहो लॉलीपॉप की तरह। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 बताइएगा, थोड़ा हिल गया है पेपर, आईयूपीएसी नेम फॉर द कंपाउंड, इसका आईपीएसी नाम क्या होगा, 50 वाले का आंसर जब आप बताएंगे, तो एक तो ये आपका हो गया यहाँ पर हाइयर, ये हो गया लोअर, ये हो गया आपका हाइयर, ये लोअर, तो ये तो एक तो पक्का हो गया कि 100% ये ट्रांस है, और ट्रांस वाले में नाम दिए हैं दो, तो ये हो गया आपका 1 2 क्लोरो, तो यही नाम हुआ, थर्ड वाला ऑप्शन देखिए, थर्ड वाला 50 का आंसर नंबर थर्ड देखिए, ट्रांस 2 क्लोरो 3 आयोडो 2 पेंटी, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर 2 पेंटी, थोड़ा सा पेज हिल गया है, तो इतनी मेहनत में कुछ तो गड़बड़ होगा ही, ये वाला पेज हिला हुआ है। 50 पे आइए, एनायनिक कंपाउंड हैज द यूनिट सेल कंटेनिंग ऑफ ए आयंस एट द कॉर्नर, ए जो है वो कॉर्नर पर है, तो 1/8 × 8 हो गए, मतलब 1 एंड अ क्यूब एंड बी आयंस एट द फेसेस, तो बी हो गई आपकी 1/2 × 6 मतलब 3, ए बी थ्री आएगा, फोर्थ होगा ना, 51 का फोर्थ हो गया, चलिए तवाश, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 बताइए जल्दी से, 52, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉज्ड बाय एडिशन ऑफ 100 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर, सिंपल सा निकाल दिया, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू W2
अपॉन M2 नीचे आपका W1 और ऊपर हो जाएगा M1। जी बताइए। फिफ्टी टू वाला बताइए। आंसर में हो सकता है थोड़ा बहुत वेरिएशन आए, क्योंकि अगर आप टोटल वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा। जल्दी बताइए। 52, वो सॉरी 50, हाँ 52 बताइए। फिफ्टी थ्री नहीं पूछ रहे नीलम, 52 पे आओ पहले। 52 का ए आ रहा है। फिफ्टी टू वाले का जवाब बताइए। निकालना पड़ेगा। डेल्टा पी अपॉन पी नॉट हो जाएगा 23.8 हो गया, इज इक्वल टू W2। कितना लिया इन्होंने शुरुआत में? शुरुआत में लिया है द वेपर प्रेशर कॉज्ड बाय। अब इसका वेट निकालना पड़ेगा यार। वेट ग्लूकोज सुक्रोज के मोल की संख्या डिवाइड करनी पड़ेगी। चलिए डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है। बड़ा दिक्कत है इसमें, वेट निकालना पड़ेगा यहाँ से, और वेट निकालने के लिए पहले मोल निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर तो मोल काम करेगा, N1 और नीचे आ जाइए, N1 और नीचे N1 प्लस N2 काम करेगा, ये नहीं लगेगा क्योंकि तो नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए भी तो सेम बात हुई ना, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट रखना पड़ेगा। चलिए निकालिए सब लोग, इसे निकाल लीजिएगा, फार्मूला यही आएगा सिंपल। पूरा रखना पड़ेगा, मतलब इस फार्मूले को फुल रखना पड़ेगा तभी काम चलेगा। मतलब W2 अपॉन M2 को ऊपर लेना पड़ेगा और नीचे W2 अपॉन M2 प्लस W1 अपॉन M1। आधे फार्मूले से काम नहीं चलेगा। ठीक है नीलम, आपने 0.125 निकाला है, लगभग यही आंसर आना चाहिए। चलो ठीक है, वेट गिवन है तो फिर इसको ऐसे तोड़िए ना, ऐसे करके दोनों तरीके लगा दीजिए, चाहे डायरेक्ट निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, इस तरीके से निकालिए। यही आंसर बता रही हैं, चेक कर लीजिएगा, बाद में आंसर हम चेक कर लेंगे। ठीक है, 53 पर आ जाइए। मार्क आउट द रॉन्ग एक्सप्रेशन, इसमें से रॉन्ग एक्सप्रेशन कौन सा है? रॉन्ग एक्सप्रेशन इसमें से कौन सा है? तो 53 वाले का रॉन्ग एक्सप्रेशन TB इज इक्वल टू B अपॉन ART होता है। ART होता है, RB सॉरी ARB होता है। RT लिख दिया, ARB होगा, RB। चेक करिए, यही रॉन्ग है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पर आइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा लेंथ लेगा ये, कवरेज करेगा लेंथ को, टाइम को खाएगा। करेंगे आप इसे बाद में या तुरंत करके दिखाएं? 54 वाला बताइए, कर पाएंगे? इक्वेशन को एडिंग करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, वही चलेगा इसमें। एंथैल्पी आप डिसोसिएशन दे रखी है, BaCl2 एंड BaCl2 वाटर इतना इतना दे रखा है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन निकालना है, तो दोनों की वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी दे रखी है इक्वेशन की? माइनस की दे रखी है 20 पॉइंट, यानी पहली वाली इक्वेशन की ये दे रखी है और दूसरे के लिए ये दे रखी है। तो पहली वाली के लिए चलो सॉल्व करके दिखाता हूँ, अगर आप कर पाएँ तो ठीक, नहीं तो मैं दिखा रहा हूँ। BaCl2 को आपने एक्वस किया, जैसे ही एक्वस किया तो BaCl2 एक्वस बना, और BaCl2 जब एक्वस बना वैल्यू आपको दे रखी माइनस की 20.6। दूसरा है BaCl2, जो नीचे लिखी इक्वेशन ये वाली BaCl2 .2H2O है, इसको आप अलग कर दीजिए, BaCl2 प्लस 2H2O, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका 8.8 किलो जूल। तो अब इक्वेशन दो हैं, इन्हें दो स्टेप में तोड़ना पड़ेगा, दो स्टेप में तोड़ना पड़ेगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ, हाइड्रेशन इज इक्वल टू डाइल्यूशन माइनस लैटिस। चलो ठीक है, कर सकते हो। तो अब पहले मैं हाइड्रेशन कराऊं इसका, तो हाइड्रेशन के लिए क्या होगा, BaCl2 प्लस 2H2O वाली इक्वेशन लिखूं,
और यहाँ पर बना दूँ BaCl2.2H2, यानी डेल्टा एच इज इक्वल टू लिख दूँ डेल्टा एच वन मान लेता हूँ। उसी तरीके से फिर पानी भी मिलाना पड़ेगा, तो BaCl2+2H2O प्लस वो पानी वाला मिला दिया, तो BaCl2 एक्वस बन गया। इसे हम लोग डेल्टा एच टू मान लेते हैं, कि डेल्टा एच टू डेल्टा एच वन। अब आ गया आपका डेल्टा, चलिए देखता हूँ लगा करके, हो गया। चलो मैं फिलहाल मैं भी लगा लूँ, मेहनत मैं भी कर लूँ थोड़ी सी, मैं भी कर लेता हूँ। डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू इज इक्वल टू हो गया माइनस का 20.6, तो डेल्टा एच वन इज इक्वल टू 20.6 माइनस हो जाएगा आपका 8.8, दोनों को जोड़िए, माइनस का 29 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये हो जाएगा आपका 6 आ रहा है जी, यानी कि वैल्यू आनी चाहिए मेरे हिसाब से, ये बी आना चाहिए, बी। बी आना चाहिए। चलिए 55 वाला बताइए, 55। द अकरेंस ऑफ द रिएक्शन इज इम्पॉसिबल इफ, अगर रिएक्शन इम्पॉसिबल है तो क्या चीज़ होनी चाहिए। 29 बोलो, ठीक है 29.4। आठ से 14 समझ गए। 55 वाले का बताइए भैया, 55 वाले का बताइए, फोर्थ बता रहे हैं, ठीक है यही होगा, बिल्कुल एक्यूरेट है, फार्मूला है जी। एस्पिरिन, ये क्वेश्चन पीजीटी में खूब आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आता है ये क्वेश्चन। यानी कि 56 वाले का जवाब बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये एनाल्जेसिक भी है और एंटी पायरेटिक भी है। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। द सब्सटेंस दैट फॉर्म्स द प्लांट सेल वॉल इज और विच कार्बोहाइड्रेट इज एन इसेंशियल कंस्टिट्यूंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट सेल। सेलुलोज ही होता है क्यों? 57 को देखो तो सेलुलोज ही होगा। चलो ठीक है, जी संजीव भाई नमस्कार, हेलो, चलिए सर आगे बढ़ते देते हैं, धोखे से लग गया लग रहा है। उसके बाद आ जाइए 58 क्वेश्चन पर, 58 क्वेश्चन सर, जी देवजनी 58 वाले का जवाब दीजिए। 58 वाले का, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन इज, थर्ड होगा, इलास्टिक रबर होती है, इलास्टिक रबर होती है, ठीक है। चलिए 59 का जवाब दीजिए, 59, एसिटामाइड इज ट्रीटेड विद सेपरेटली विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स विच वुड गिव मिथाइल एमीन। एसिटामाइड, तो ये कौन सी रिएक्शन है, रिएक्शन का नाम बताइए, आप रिएक्शन का नाम बताइए। थ्री मिथाइल 1,3 ब्यूटाडीन नेचुरल रबर होती है, ये कौन सी रिएक्शन है, रिएक्शन का नाम बताइए। बिल्कुल आंसर तो ठीक है, रिएक्शन का नाम हॉफमेंस ब्रोमोमाइड, वेरी गुड, इस रिएक्शन का नाम है हॉफमेंस ब्रोमोमाइड, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड जी। बहुत ही सुंदर आप लोग ये इनिंग खेल रहे हैं, और इसी इनिंग में आपका ये डिसीजन भी हो जाएगा कि वाकई में ये आप जीतने की किस कगार पर चल रहे हैं। बहुत सुंदर इनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पर आ जाते हैं। 60 का संजीव जी ने थर्ड जवाब दिया है, थर्ड क्या जवाब दिया है, थर्ड वो आपको दिखाई दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस विल गिव द हाईएस्ट स्टेबिलिटी टू अदर न्यूक्लियस विद एटॉमिक नंबर जेड एंड मास नंबर एन। तो सिंपल सी बात है, इवन जेड होना चाहिए और इवन एन भी होना चाहिए। ठीक, बोथ इवन होगा, वेरी गुड नाइट भाई। जेड आपको पता है ना, समझ गए ना। चलिए ठीक, 60 वाले पे आ जाइए, 60 वाले पे आइए। इन इथेनॉल विच बॉन्ड डिसोसिएट हाइड्रोलिटिकली मोर रेडली। बहुत इंपॉर्टेंट यार, दिल आ गया इस क्वेश्चन का, प्यार कर लो एक बार यार। इन इथेनॉल विच बॉन्ड डिसोसिएट हाइड्रोलिटिकली मोर रेडली। बहुत आसानी से कौन टूटेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। डी होगा, हाइड्रोलिटिकली बहुत आराम से ही टूटेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बहुत है, डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पावर में बहुत है। एक हाथी है और एक बेचारा चूहा है। द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू सिमिलर, किसके सिमिलर है हीलियम, स्पेक्ट्रम जो हीलियम का है वो किसके समान होना चाहिए। 62 वाले का जवाब दीजिए। इसके तो नहीं हो सकता, इसके भी नहीं हो सकता, सेकंड जवाब होगा इस, वेरी गुड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का नंबर वही निकल के आएगा उसमें जो इसमें है, सेम इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। बिल्कुल एक्यूरेसी पे आप लोग उतर गए हैं, मज़ा आ गया, दिल मेरा गदगद हो गया है। पास होते तो आपको चॉकलेट खिलाता एक एक। 63 का जवाब, ये रिएक्शन का नाम बताइए, नेम ऑफ रिएक्शन, नेम ऑफ रिएक्शन। द सेम रिएक्शन कैन टेक प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग, ये रिएक्शन का नाम बताइए। आंसर तो सही है, नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, नो अल्फा, कन्नी झाड़ो रिएक्शन, वेरी गुड। मैं इसे कन्नी झाड़ो बोलता हूँ, कैनी झाड़ो नहीं, कन्नी झाड़ो रिएक्शन। परकिन को बोलते थे परकटी रिएक्शन। 64 वाले का जवाब दीजिए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सी एक्स बॉन्ड पोलैरिटी, सबसे ज़्यादा पोलैरिटी कहाँ पर होगी, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सीएल में, फिर बीआर में, फिर आई में, है? यही होगा ना। चलिए, बहुत सारे लोग चले गए, आए और चले गए, भावना आंटी भी नहीं दिखाई दे रही है। 65 पर देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन अ मिक्सचर ऑफ एसिटाइलीन एंड हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर रेड। तो आपको पता होना चाहिए, ये एक मतलब मान के चलिए कि आगे एल्कीन में कन्वर्ट नहीं होगा, इथाइलीन ही बनेगा, रिएक्शन रुक जाती है यहीं पर आकर के, तो इथाइलीन इज फॉर्म्ड, इथाइलीन बनेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। 66 में आइए, ओजोन इज यूज फॉर प्यूरिफाइंग वाटर, क्योंकि ये बेचारा क्या कर देता है, ये बैक्टीरिया को किल करता है और उसकी स्मेल नहीं छोड़ता है, बैक्टीरिया जो मारे उसने उसकी बदबू नहीं छोड़ेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज कर देता है, तो ऑल इसमें सही हो, ऑल इसमें सही हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर पारी चल रही है, मैच बहुत सुंदर, और इस मैच के जो खिलाड़ी हैं वो उससे ज़्यादा मन से खेल रहे हैं और पूरी ताकत हिम्मत के साथ डटे हुए हैं सभी खिलाड़ी। और ये बहुत अच्छी बैटिंग, क्वेश्चन नंबर 67 पर आ जाइए। 67 बहुत अच्छा स्ट्रोक आपने दिया है। सम ऑफ द पोलर क्रिस्टल्स व्हेन हीटेड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट, दिस फिनोमिना, वेरी नाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पायरो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। स्ट्रोक आपने देखा होगा कि आप लाइटर घर पे जलाते हैं। 67 पर आइए, तो जब लाइटर आप जलाते हैं तो चट से एकदम करंट पैदा होता है, तो 67 वाले का जवाब आपका पायरो होना चाहिए, पायरो होना चाहिए। बहुत अच्छी इनिंग चल रही है भाई साहब, ऐसी चलती रहेगी। वाइट लेड क्या होता है, वाइट लेड आपने देखा होगा, लेड कार्बोनेट और लेड हाइड्रोक्साइड, है ना, आपने बोला होगा, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन
वाइटलेट सफेदा के नाम से जाना जाता है, होली पर मुंह पे लगाया जाता है, मुंह पर लगाया जाता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में कौन सा यूज नहीं होता है? तो मुझे पता है ये कंपाउंड NaCl का यूज होता है, 69 वाले का जवाब दीजिए। NaCl यूज नहीं हो सकता है, बाकी सब यूज हो जाएंगे। ये FeBr3 है, ये 2 नहीं है, Br3 है, FeBr3 है, ध्यान दीजिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। PB डाई पॉजिटिव, CU डाई पॉजिटिव, ZN डाई पॉजिटिव, NI डाई पॉजिटिव आयंस आर प्रेजेंट इन ए गिवन एसिडिक सॉल्यूशन ऑन पासिंग हाइड्रोजन सल्फाइड गैस थ्रू दिस सॉल्यूशन द अवेलेबल प्रेसिपिटेट विल बी, किसका प्रेसिपिटेट होगा? तो 70 वाले का जवाब, 70 वाले का जवाब जी, 70 वाले का जवाब का इंतजार आपका है भाई। PB डाई पॉजिटिव आए, PB डाई पॉजिटिव और कॉपर डाई पॉजिटिव, ये दोनों सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट इन द, तो ये PB डाई पॉजिटिव सल्फाइड, तो 70 का जवाब मेरे हिसाब से फिर सेकंड आना चाहिए, सेकंड। कराऊंगा प्रैक्टिकल से रिलेटेड, लेकिन अभी रुक करके कराऊंगा, रुक करके कराऊंगा, जरा इन लोगों के एग्जाम हो जाएं। मेरे पास मैटर है ऐसा नहीं, फुल प्रैक्टिकल मैटर आपको दूंगा, लेकिन इनके एग्जाम के बाद। IUPAC नेम ऑफ टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, बताइए भाई साहब। टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, फोर्थ होगा, बहत्तर मोमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन BaO2 एंड डाइल्यूट H2SO4 में, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है, और मेरे हिसाब से जो 73 का जवाब होना चाहिए, H2SO2 में -1 हो जाती है और BaSO4 में +2 हो जाती है। तो 73 वाले का जवाब आप बताएं जल्दी से, सेकंड आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए। हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 180 ग्राम ऑफ द वाटर, ये आपको बताया था मैंने, ये मैंने बताया था आपको कि 100 मोल हो जाएंगे इसमें, 100 आएंगे। 18 ग्राम में जो होता है वो 1 मोल होगा। हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर, 180, 18 ग्राम में 1 मोल, 1 ग्राम में 10 आना चाहिए, तीसरा होगा 10। हाँ, 74 का निकालिए, सी आएगा, ठीक है, 74 का सी आएगा, ये नहीं आएगा, 10 मोल आएगा, 100 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप निकालोगे तो वही 10 आएगा। ठीक है, 10 आएगा, बिल्कुल 100% भाई। 18 में 1 हुआ, 1 में 1/18 हुआ, और 180 में मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो 10 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 75 बताइए, 75। द कंपाउंड दैट इज, द कंपाउंड दैट इज नॉट ए लुइस एसिड, ये लुइस बेस है, ये लुइस बेस है। व्हेन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज हीटेड विद 600 डिग्री सेल्सियस, व्हेन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज हीटेड टू 600 डिग्री सेल्सियस, जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है? मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनता है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनता है, सतहत्तर पे आइए। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर वी यूज कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट यूज करते हैं, यानी 77 वाले का जवाब CuFeS2 होना चाहिए, CuFeS2, कॉपर पायराइट का प्रयोग करते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव द प्रेसिपिटेट विद AgNO3? AgNO3 के साथ ये वाला प्रेसिपिटेट नहीं देगा क्योंकि इसमें काउंटर आयन नहीं है, काउंटर आयन नहीं है, काउंटर आयन नहीं है। गामा रेज 79 पर आइए, हाई इनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। द रिलेशन ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा एच इज कौन सा रिलेशन कहलाता है? तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस कहलाता है। By which of the following process permanent hardness of the water can be removed by adding? तो मेरे हिसाब से इसमें आप permanent, by which of the following process permanent hardness of the water can be removed by? तो permanent hardness sodium bicarbonate washing soda से remove हो सकती है, washing soda से remove हो सकती है। 81 washing soda ही होगा 100%। सोडियम बाइकार्बोनेट से टेम्परेरी होती है, टेम्परेरी होती है, ये पॉसिबल नहीं है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिबिट द पॉजिटिव फाइलिंग टेस्ट एज वेल एज आइडोफॉर्म टेस्ट? तो मिथेनल तो आइडोफॉर्म नहीं देगा, इथेनॉल इथेनॉल देगा, फोर्थ होगा, फोर्थ होगा, क्योंकि इथेनल का मतलब ये एसिटल्डिहाइड है, ये टॉलेंस के साथ में टेस्ट देगा और साथ ही साथ आयोडोफॉर्म के साथ में भी टेस्ट देगा। डाई इथाइल ईथर कैन बी डिकम्पोज बाई हीटिंग विद, डाई इथाइल ईथर को डिकम्पोज किया जाएगा हीटिंग विद एच आई से, एच आई से हीट किया जाएगा। विच कंपाउंड इज नोन एज द ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। फिनाइल सैलिसिलेट होता है या मिथाइल सैलिसिलेट होता है? 84 का जवाब दीजिए, मिथाइल सैलिसिलेट होता है या फिनाइल सैलिसिलेट होता है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ये 85 वाली, देखिए ध्यान से। विच इज फॉर्म्ड व्हेन फ्लोरीन रिएक्ट विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्साइड? तो आपको 86 जो क्वेश्चन है इसकी रिएक्शन अगर पता है तो 2F2 होगा, NaOH इसमें डाल दीजिए, जैसे NaOH डालेंगे 4 डाल दो तो यहाँ पर 4NaF निकाल दो, साथ में 2H2O निकाल दो और O2 निकाल दो, ऑक्सीजन बने। पॉइंट टू ग्राम ऑफ द फाइन एनिमल चारकोल इज मिक्स विद द हाफ लीटर ऑफ द एसिटिक एसिड, मोलरिटी 5 mS, 5 मोलर दीजिए, सोल्यूशन टेकन विद 30 मिनट, तो कंसनट्रेशन 87 वाला जवाब आप दीजिएगा। एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो इम्प्योरिटी मैंने जो एसिटिक एसिड है उसकी इम्प्योरिटी को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो कंसनट्रेशन जो है वो डिक्रीज कर जानी चाहिए, डिक्रीज है कहीं पर ऑप्शन, ये ए 87 का ए आना चाहिए, 87 का जवाब ए आना चाहिए। फिर सुन लीजिए, अगर हम लोग फाइन एनिमल चारकोल डाल देते हैं एसिटिक एसिड में तो इसकी इम्प्योरिटीज़ को एब्जॉर्ब कर लेगा तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की घट जाएगी, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की घट जाएगी। फॉर्मिक एसिड कैन रिड्यूस, फॉर्मिक एसिड टॉलेंस को रिमूव करता है, KNO4 मर्क्यूरिक, तो मुझे लगता है कि फॉर्मिक एसिड टॉलन को भी करता है। इसमें 88 वाले बहुत इम्पोर्टेंट है और 88 का जवाब भी चारों आना चाहिए, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, यानी कि ऑल इसमें आ जाएगा, ऑल बहुत ही इम्पोर्टेंट। फॉर्मिक एसिड ही दुनिया का एक एसिड है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी होता है, यानी अगर आप देखो तो इतना एल्डिहाइड है और दूसरा वाला अगर ध्यान से देखो आप तो इतना वाला कार्बोक्सिलिक एसिड भी है इसके अंदर, दोनों ग्रुप अलग अलग है, ठीक है। द डिस्टिंक्ट एंड करेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप इन फैट्स इज, आपको पता होना चाहिए एस्टर होता है,
एस्टर होता है, फैट के अंदर जो अलग से ग्रुप है वो एस्टर है। द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इन रिवर्सिबल रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट रिवर्सिबल रिएक्शन पर वो इनिशियल कंसनट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, रिवर्सिबल है ना, तो इसका मतलब है डू नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसनट्रेशन, यही आंसर इसका होना चाहिए, यही आंसर इसका होना चाहिए। 91 पे आइए, प्योर अमोनिया इज प्लेस्ड इन ए वेसल एट ए टेम्परेचर वेयर इट्स डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट एल्फा इज एप्रिसिएबल एट इक्विलिब्रियम। तो 91 का जवाब जो है वो केपी डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली विद प्रेशर होना चाहिए। चेक करते चलिए आप लोग, एट इक्विलिब्रियम केपी डज नॉट चेंज, केपी नहीं चेंज होगा, अल्फा तो चेंज हो जाएगा, अमोनिया की कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाएगी, हाइड्रोजन भी वेरी कर जाएगा। चलिए लास्ट लाइन और आखिरी पेज जल्दी से 92 वाला बताइए। 92 HI H2 रिएक्शन वेयर इनर्ट गैस एडेड इफेक्ट ऑन, अगर इनर्ट गैस को ऐड कर देते हैं तो फिर एक कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनर्ट गैस इससे कोई रिएक्शन नहीं करेगी और ना ही प्रेशर, इसके मॉलिक्यूल प्रेशर भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे, तो इफेक्ट इस पर कुछ भी नहीं पड़ेगा, इफेक्ट इसके ऊपर कुछ भी नहीं पड़ेगा, ध्यान दीजिए। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हेवर्स प्रोसेस, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हेवर्स प्रोसेस N2+3H2 2NH3 विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज अनफेवरेबल, टेम्परेचर घटाना पड़ता है या बढ़ाया हुआ लिखा हुआ है, तो 93 टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, जबकि यहाँ लिखा इंक्रीज, तो ये अनफेवरेबल कंडीशन हो गई, फेवरेबल नहीं, ठीक है ना। चलिए 94 पे आ जाइए, 94 ऑन एडिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड टू द सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इजी है एडिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड टू द सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो डिसोसिएशन NH4OH का क्या होगा, बढ़ जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट पैदा हो गया, घट जाना चाहिए OH की कंसंट्रेशन घट जाना चाहिए, कॉमन आयन हो गया ना, कॉमन आयन जी, द सॉल्वेबिलिटी ऑफ CF2 इज मोल्स पर लीटर, बताइए, यानी कि 4s क्यूब हो जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू 10^-4, 4 × 8 की पावर, 4s क्यूब हुआ ना, s का क्यूब करना पड़ेगा, तो 4 हो गया, 2 × 4 × 8 हो गया, इंटू 10^-12, 32, ये फोर्थ आना चाहिए, 95 का फोर्थ आना चाहिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर आपका जवाब भी चल रहा है, आप लगातार मुझे जवाब बहुत ही परफेक्ट दे रहे हैं और मैं आपके जवाबों को देख भी रहा हूँ। 96 आज की आपको जो पारी थी, इनिंग, वो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, 96 वाले का जवाब दें आप, 96 वाले का जवाब दें, 96, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द pH ऑफ द आइसोमोलर सॉल्यूशन, तो आइसोमोलर सॉल्यूशन सोडियम ऑक्साइड का है, सोडियम सल्फाइड का है, सेलिनाइड का है, ठीक है, सोडियम सेलिनाइड ऐसी होना चाहिए एंड सोडियम टेलुराइड का है, ठीक है, तो pH जो है pH 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है, pH 1, 2, 3, 4, तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा pH वैल्यूज होगी, ऊपर से नीचे आने पर एसिडिक करेक्टर डिक्रीज कर जाता है, तो pH सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सबसे ज़्यादा pH होगी आपकी सोडियम ऑक्साइड, यानी 96 का बताइए फोर्थ होगा, pH 1 ज़्यादा होगा, ये बेसिक हुआ ना, ये बेस, सॉरी उल्टा मैं बोल गया, ये बेसिक होगा, NaOH बेसिक होगा तो pH इसी की ज़्यादा होगी, ठीक है, बिल्कुल सही, यही है फोर्थ वाला ही होगा जवाब, मोर pH मोर बेसिक,
97 बताइए, 97 गिवन पी एच ऑफ सोल्यूशन ए इज 3 एंड इट्स मिक्स विद अनदर सोल्यूशन बी पी एच 2, रिजल्टेंट पी एच क्या आएगी? 97 रिजल्टेंट पी एच क्या आएगी? 97 का जवाब दीजिए। भाई ये 10^-3 हो गया और वो वाला 10^-2 हो गया, दोनों को जोड़िए आप तो 10^-2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में 1.1 बचा। तो 1.1 इंटू 10^-2 को सॉल्व करिए आप। क्या आएगा 97 का? बी आ रहा है, चलिए ठीक 1.9 आ रही है। 98 ऑन एडिंग सॉलिड पोटेशियम साइनाइड KCN टू वाटर पीएच बढ़ जाएगी, सिंपल बेसिक आ जाएगा ना, पीएच बढ़ जाएगी तो पीएच बढ़ाइए, पीएच विल इंक्रीज फर्स्ट होना चाहिए, 98 का फर्स्ट होना चाहिए। KOH बनेगा ना, जब KOH बनेगा तो पीएच वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। चलिए आखिरी दो क्वेश्चन जवाब दीजिए जल्दी से। 99 का जवाब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी? तो आपको जानकारी होना चाहिए कि वर्क स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी नहीं है, करेक्ट रिलेशनशिप इसमें से कौन सा है? तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है, तो इसका मतलब हुआ सेकेंड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। ठीक है, इति स्कंद पुराण देवा खंडे सत्यनारायण कथा पंचम अध्याय, बोलो सद्य भगवान की जय। चलिए ये हमारे पास क्वेश्चन 100 की लिमिट थी, इसके बाद आंसर दिए हैं आपको, ये PDF में लगा दूंगा, आराम से लगाइए। गुड नाइट, कैसे लगे क्वेश्चन? ठीक, 2018 का झारखंड का पेपर मैंने सॉल्व कराया था, थोड़ा बचा है करा दूंगा उसे भी। चलिए कल 2018 का पेपर होगा झारखंड का, पुराना पेपर वैसे करने से बहुत फायदा इसलिए नहीं मिलेगा मंडल जी, क्योंकि पुराने क्वेश्चन आते नहीं, इसलिए मैं उसको ज्यादा नहीं छेड़ रहा हूँ, क्या मतलब टाइम खराब करूँ। चलिए ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, फिलहाल आपकी तमन्ना पूरी कर लूंगा, कल करवाता हूँ।